हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज है जुम्मा का दिन और शाम के बज रहे हैं 5। मैं आया हुआ हूँ हमारे खेतों पे, देख सकते हैं आप, पहले के व्लॉग्स में भी मैंने दिखाया हूँ हमारे खेत वगैरह। ये तो बंजर है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे तो जासमीन के फूल लगाए गए हैं हमारे ताया ने। तो मैं किस लिए आया हूँ, मैं आया हूँ वो जो तालाब मैं मिस करके चला गया था वो देखने के लिए मैं आया हूँ। और रास्ते में आते आते ना, बाहर हमारे गांव के निकलते ही दो बॉडियां नज़र आते हैं, तो वो दो बॉडी भी मैं आपको दिखाया हूँ। एक बॉडी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दूसरी जो बॉडी है वो मशीन बॉडी है। बहुत सारे लोगों को मालूम है मशीन बॉडी क्या है, तो वो भी मैं अभी दिखाया हूँ, उसका भी वीडियो लिया हूँ। और यहाँ पर मैं चाय पीता हूँ, चाय साथ में लेकर आया था गाँव से, चाय पीते हैं। चाय पी करके ना फिर मैं वॉक करते हुए दो तालाब दिखाते हुए चलता हूँ। वहाँ वॉक करते हुए जाने से पहले ना आप लोग जो बॉडी मैं दिखाया हूँ वो देखिए, फिर मैं बाकी का दिखाता हूँ। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ और फिर वो रास्ता चलते हुए जाता हूँ, तो आप तब तक वो दो बॉडी देखिए। माशाल्लाह ये बॉडी जो है भर चुकी है, देख सकते हैं। इसी बॉडी में एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। मैं भाई सब तैर रहे थे, ठीक है, तब मैं डूब रहा था और मेरा भाई जो है वो मुझे बचाने के लिए आया, और मैं भी उसको, मतलब मैं ऊपर आने के चक्कर में ना उसको और अंदर में डुबा दिया। मतलब अंदर समझ में नहीं आता ना जब तैरते हैं, तो इस बॉडी में मैं मरते मरते बचा हूँ। ये बॉडी भी भर चुकी है माशाल्लाह, देख सकते हैं फुल हो चुकी है। और अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे तालाब भरा है पीछे का, वहाँ जा कर के मैं आपको दिखाता हूँ कितना तालाब भरा है। तो ऐसा कुछ है ये वाली बॉडी, और सामने भी एक बॉडी है, हो सका तो वो भी मैं दिखाता हूँ। वो भी फेमस बॉडी है कलीचरला की, वो भी अगर हुआ तो वहाँ पे। जो फेमस बॉडी की बात मैं कर रहा था वो वाली बॉडी है, वहाँ पे अभी चलते हैं जा करके दिखाते हैं। उसको मशीन बॉडी भी कहा जाता है यहाँ गांव में, मशीन बॉडी मतलब फेमस है कलीचरला में। तो और जो तालाब दिखाया था मैं आपको लास्ट व्लॉग में, वो नज़र आ रहा है देखो वहाँ पर, वो वाला जो गांव के एंट्रेंस में है वो तालाब है। और जो बाकी के दो तालाब के बारे में मैंने कहा था कि वो दिखाऊंगा, तो यहीं पे है। पहले इस वाले बॉडी को मैं दिखा देता हूँ, मशीन वाली बॉडी, मशीन बॉडी भी कहा जाता है इसको, दिखा करके फिर वहाँ पे चलते हैं। हाँ माशाल्लाह, चलो अच्छा खासा पानी आया है इसमें भी, देखो अभी फ़िलहाल तो गंदा है। तैरते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, अभी तैर कोई नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्विमिंग नहीं कर रहा है। और ये पहले और अच्छी थी बॉडी, पूरे पत्थर वत्थर पूरे जाके गिर चुके हैं नीचे की तरफ। और जो पुराने लोग हैं वो बहुत इजी से पहचान सकते हैं कैसी थी ये वाली बॉडी पहले। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग सीखा है कलीचरला के, 50-70% जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, इसी बॉडी में स्विमिंग सीखा है। और वो जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ से जंप करते थे ये बॉडी में, और माशाल्लाह चिड़िया चहचहाने की भी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ऐसी कुछ है बॉडी ये वाली। अभी बहुत ज़्यादा जो पत्थर है वो गिर चुके हैं माशाल्लाह से। आज कवर करते हैं, दो बॉडी कवर हो चुकी हैं, अभी वहाँ जा करके वो भी कवर करते हैं जो तालाब है। और वो हमारे गांव का पहाड़, और हमारा जो खेत है वो थोड़ा आगे में ही है। जो प्यारी आवाज आ रही है ना चहचहाने की, सच में बहुत ही पीसफुल दिख रहा है आवाज़ कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ देखो चिड़ियों का घर भी आप लोगों को। और ये पहले सीढ़ियाँ हुआ करते थे ऐसे नीचे जाने के लिए, ऐसा जा करके ऐसा वापस नीचे ऐसा होते थे। नहीं नहीं, यही शायद सीढ़ियाँ हैं, मुझे ऐसा लगा। खैर ये तो टूट चुका है, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के, देख सकते हैं आप लोग, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के। और मैं अभी बॉडी के पास में आ चुका हूँ, और ये देखो घर, और यहाँ पर भी एक घर है। ये रही मशीन बॉडी कलीचरला की। यहाँ तक पानी आ जाता है, जब भर जाता है ना तो ये लेवल तक पानी आता है, पूरा भर जाता है। देखो चिड़िया माशाल्लाह, यही खासियत होती है गाँव की, मतलब बहुत सुकून मिलता है दिमाग को अगर ऐसे जगहों पे आकर बैठते हैं तो। जो दो बावड़ी है वो तो आपने देख लिया, वो यहाँ पे एक है और वहाँ पे एक है, और ये वाला रास्ता है जो हमारे खेतों के पास जाता है। तो अभी इस वाले रास्ते से मैं जा रहा हूँ तालाब के पास। एक तो तालाब लग के ही है बाजू में, और दूसरा तालाब उसके पीछे है, वो भी दिखाता हूँ। और मैं हाइकिंग कर रहा हूँ, पहाड़ों वाली हाइकिंग नहीं,
ज़मीन वाली हाइकिंग कर रहा हूँ, लकड़ी ले करके मेरे हाथ में वॉक करते हैं। बहुत ज़्यादा वॉक करना है अभी मुझे, ऐसे वॉक करके जाना है और इसी रास्ते से वापस वॉक करते आना है। लगभग मुझे आधा घंटा लग जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। देख सकते हैं मैं थोड़ा सा वॉक करते ही तालाब नज़र आ चुका है मुझे, और माशाल्लाह से इसमें भी लगभग 30-40% पानी आ चुका है। 50% पानी आ चुका है समझो। अगर ये जो पानी है इसके ऊपर आ जाएगा ना तो समझो कि ये भर चुका है। फ़िलहाल तो अभी भरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पानी ठीक ठाक ही आया है। और यही रास्ता ले जाता है हमें जो बड़ा तालाब जिसको कहा जाता है हमारे गांव में, बड़े तालाब के पास ले जाता है रास्ता, वहीं पे हम जा रहे हैं अभी। और माशाल्लाह देखो धान को देखते हैं ना, अलग ही लेवल की खुशी आती है। धान पहले और भी ज़्यादा उगाया करते थे हमारे गांव में, वो अपोजिट साइड पे भी उगाया करते थे, वहीं पर है जो मशीन बौड़ी है, वो वाली जो है वो मशीन बौड़ी है। और वो रहा हमारे ताया का फूल वाला बाग वहाँ पे, और मैं जो कार है वहाँ पे पार्क किया हूँ, वो भी दिखाता हूँ आगे जा कर के। पहली बार मैं अकेले चलते हुए जा रहा हूँ, जब भी देखने आता हूँ ना दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ आता हूँ, अभी पहली बार अकेले जा रहा हूँ। सब बिज़ी होंगे अपने अपने कामों में, तो सोचा मैं अकेला ही घुमा करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। गाय को देखो माशाल्लाह पानी के अंदर गई है, उनको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। देखो आधा पानी में है वो माशाल्लाह से, बहुत ही साल के बाद पानी आया है ना, खुश हो गए होंगे गाय वगैरह भी। इंसान ही खुश हो गया है तो जानवर भी खुश हो जाते हैं जब पानी या बारिशें वगैरह होते हैं तो। यहाँ पे तो आम का बगीचा लगा दिए हैं, ये नया वाला बगीचा है शायद, पहले यहाँ पे बगीचा नहीं था, सिर्फ ज़मीन थी जो खेती वगैरह होती थी यहाँ पे। जा सकते हैं क्या यहाँ पे, देखते हैं जा करके स्लो स्लो से। इजी इजी ये देखो, ये पानी भी ऐसा कहीं पे जाता है शायद। पहले यहाँ पे आराम से आया करते थे, अभी पूरा पेड़ वगैरह उग चुके हैं, रास्ता भी सही से नहीं है उतरने के लिए, बहुत ही थोड़ा डेंजर रास्ता है, इतना भी नहीं फिर भी है डेंजरस थोड़ा सा। ये देखो इसका तालाब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल क्या है। और यहाँ पे भी एक चिड़िया का घोंसला, ये भर के ये वाला पानी ही इसमें गिर रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, नो आइडिया। आगे की तरफ चलते हैं अभी। ओ यस, अरे वो जो बच्चे नजर आ रहे हैं वो वहीं से जा करके वापस गांव में जा रहे हैं, देख करके बोल रहे पानी बहुत अच्छा जा रहा है, बह रहा है पानी। और यहाँ पे भी देखो माशाल्लाह पानी आ चुका है, ये तो तालाब नहीं है फिर भी बहुत सारा पानी रुक चुका है, देख सकते हैं आप लोग। देखो पूरा का पूरा पानी ये तालाब का, और जो पानी वो बहता है ना जो गाँव वाली तालाब है जो स्टार्टिंग में, वहाँ जाने के लिए ये पानी यहाँ पर रुक चुका है। और यहाँ पर भी एक बावड़ी है देखो माशाल्लाह, वो भी उबल चुकी है पूरी तरह से, फुल हो चुका है उसका भी पानी। गांव वाले लड़के हैं बोलते वहाँ पे, जो लड़के चल के जा रहे थे वो बोल रहे थे गांव के लड़के हैं, भैया वगैरह हैं वहाँ पे, तो देखते हैं भैया उनके लिए मेरे लिए नहीं। जब ये वाला तालाब भर जाता है ना तो यहाँ से पानी बहता है,
जिसको मरवा कहते हैं। जब पानी उबल करके बहता है तालाब से दूसरे तालाब के पास तो उसको मरवा कहा जाता है। तो अभी तो ये तालाब भरा नहीं है, देखो ये उसका लेवल है तालाब भरने का, अभी फ़िलहाल भरा नहीं है। भर जाएगा तो ये पूरा पानी ऐसा फोर्सफुली ऐसा घूमते हुए इस तरफ से जाएगा और ये पूरा ऐसा वो तालाब में मिलेगा। और जब नज़ारा, मतलब ऐसा वॉक करना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी जाता है यहाँ पे, ये पूरा पानी हो जाता है, पूरा ये वाला पूरा एक छोटा सा मिनी वाटरफॉल बन जाता है जब भर करके पानी यहाँ पे जाता है। तो अभी हमें आगे की तरफ जाना है। ये तो एक तालाब हो गया, अभी दूसरे तालाब के पास जा रहे हैं जो कि बड़ा तालाब भी कहा जाता है, बड़े तालाब के पास जा रहे हैं अभी। और इसी की बात कर रहा था मैं, ऐसा बहता है पानी पूरा ऐसा फुल, क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, आधे आधे पैर जो है हमारे इसमें डूब जाते हैं जब पानी बहता है। तो अभी फ़िलहाल भरा नहीं है ना, तो उस वजह से फ्रीली हम वॉक करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं बड़ा तालाब कितना भर चुका है। गाड़ियाँ वगैरह रुकी हैं यहाँ पे, है लड़के लोग भी, आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग पानी की। मेरा दोस्त भी यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो माशाल्लाह पानी है, आधा घंटा हुआ है रास्ता हो। रेडी है ना, रेडी है ना, देखो सब मज़े कर रहे हैं यहाँ पे तालाब के पास रहता हुआ पानी में। वहाँ से नहीं जा पाया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। देखो माशाल्लाह क्या प्यारा बह रहा है और मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या फिसल देंगे यहाँ मंडे? नहीं नहीं तालाब पूरा बह करके पानी तालाब का बाहर निकल रहा है और माशाल्लाह जो प्यारी आवाज़ आ रही है इसकी, देखो हाँ थोड़ा आगे चलते हैं, रुको देखते हैं थोड़ा सा एडवेंचर भी करते हैं। है देखो ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो यही है बड़ा तालाब, देखो माशाल्लाह दूर तक भर चुका है। क्या तुम अच्छा ही रे सलाम, हाँ देखो ये पूरा बड़ा तालाब है और वो भी आम का खेत है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, माशाल्लाह भर चुका है ना तालाब वगैरह। और दोस्त भी मस्त बैठा हुआ है वहाँ पे, मैं भी थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर आराम से जाता हूँ और भी दिखा करके थोड़ा बहुत। देखो सुकून से, यही सुकून होता है गांव में, ये देखो टेंशन नहीं कुछ भी, कितना सुकून, कितना आराम से पानी की आवाज़ सुनते हुए बैठा है और मैं भी बैठ रहा हूँ, जा करके भी बातें वगैरह करते हैं थोड़ी सी। फील करो फील करो, माशाल्लाह तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद आगे की तरफ जा रहे हैं और वो तो पानी में ही ठहरा हुआ है, मस्त मज़े कर रहा है पानी में देखो। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बह रहा है पानी, और फुल हो जाएगा ना तो यहाँ पे हम वॉक भी नहीं कर सकते, इतना पानी आता है। और ये जितना भी पानी है ना, ये पानी जो अभी मैं रास्ते में तालाब दिखाया वो तालाब पर जा रहा है। देखो जो जो रास्ता मिल रहा है वहाँ से पानी निकल रहा है बाहर की तरफ। ओ ओ उड़े रहती तरह, ये देखो हाँ बहुत ज़्यादा पानी आया है इसमें भी। और ये जो तालाब है, इस तालाब का पानी पूरा देख सकते हैं आप वहाँ से बहते हुए उस तालाब में जा रहा है। और अभी दो तीतर यहाँ से उड़े हैं, तीतर को देखते हैं ना तो मन करता है पकड़ करके खा लें। तो शाम हो चुकी है, जो सूरज है वो जा चुका है, दोस्त वगैरह भी हैं वो भी जा रहे हैं गांव की तरफ, मैं वापस वॉकिंग करते हुए ही निकल जाता हूँ यहाँ से, सब निकल रहे हैं। मम्मी
मेरी जो कार है यहाँ से तो नज़र ही नहीं आ रही है, वो हमारे ताया का खेत, उसके पीछे मेरी कार है, वो नज़र आई मुझे। दोस्त बुला रहा है तो मैं सोचा था वॉकिंग करते हुए चले जाएं, लेकिन अभी चलते हैं उसी के साथ में। तो ये कुछ था तालाब। हाँ कैसे था फला? हाँ थोड़ा कल बार तहला नहीं नहीं दो कल बार नहीं रहा, ये बार वल्ला गया हिसाब से दाखल हमारे अमरीम ने, हमारे अमरीम फिरने कहाँ जंगल हो गई है नागर नहीं नागर ना बा माशाल्लाह से तालाब घूम करके मैं आ चुका हूँ। थोड़ा और दिखा सकता था लेकिन अंधेरा होने आ रहा है तो मैं दिखाया नहीं हूँ, थोड़ा आगे नहीं गया हूँ। दोस्त वगैरह भी हैं वो तो मुझे यहाँ पे छोड़ करके गांव की तरफ चले गए हैं और मैं रहता है यहाँ पे है। तो यही है माशाल्लाह से पानी आ चुके हैं, अभी सिर्फ दो या तीन घंटे की बारिश अगर होगी ना गाँव में तो जितना भी पानी है, जितने भी तालाब हैं, पूरा 100% भर जाएगा, मतलब पूरा फुल अप हो जाएगा अगर दो या तीन घंटे की बारिश होगी। दुआ कीजिएगा कि बारिश हो अच्छे से, क्योंकि तालाब अगर भर जाएंगे तो एक साल दो साल कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ज़मीन में पानी बहुत अच्छे से रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दुआ कीजिएगा। तो अभी ताया से थोड़ी बहुत बातें करते फिर निकल जाते हैं गाँव के लिए। अब ज़रा पकना ना, हाँ सीताफल मिला है वाले पेड़ पर, नाटी सीताफल, एकदम नाटी सीताफल घर लेकर के जाते हैं, थोड़ा बहुत पका है ये। हाँ हलो हलो, एकदम नाटी सीताफल माशाल्लाह। जो अभी मेरे दोस्त मिले थे ना वहाँ पे तालाब के पास, तो वो लोग भी गए थे सीताफल तोड़ने के लिए, तो उनको भी मिला है ऐसा बोले हैं वो लोग सीताफल। और सामने की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे भी एक सीताफल का पेड़ नज़र आया है, मैं तो निकल ही रहा था तो वो तोड़ रहे थे सीताफल, तो कहा अगर पका है तो देना, अगर नहीं पका है तो मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा पका हुआ है तो ये लो लो खा लो थोड़ा सा। तो मैं तो घर लेकर के चलते हैं, यहाँ पर भी एक है वो भी तोड़ करके देखता हूँ। यहाँ पे एक सीताफल है, कैसे तोड़ूँ मैं भी, इसके ऊपर चढ़ना है तोड़ने के लिए, इसको यहाँ पर रखते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। फाइनली ऊपर चढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। अरे शिट, इतना मेहनत से मैं चढ़ा हूँ लेकिन ये था ये सीताफल तो ख़राब हो चुका है, छोड़ दो अभी इसी पर। इतना मेहनत से चढ़ा था मैं भी ऊपर, उतर जाते हैं अभी नीचे। देखो बहुत पहले जब मैं छोटा सा था, लगभग 8 साल का, तब इसके ऊपर चढ़ा करते थे यार, वो मेमोरी याद आ गई मुझे इसके ऊपर चढ़ करके। पूरा सीताफल का पेड़ और वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पे एक पेड़ जो है इससे पहले मैं दिखाया था वहाँ पर भी जा करके मैं देखता हूँ, अगर वहाँ पे सीताफल है तो तोड़ते हैं। रियाकारी के तौर पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा बिछा करके अभी नमाज़ पढ़ रहा था ना मैं, नमाज़ ख़त्म होने के बाद मुझे एक ही थॉट आया है दिमाग में। तो जब सऊदी में रहा करते थे, जब सफ़र पे हम लोग निकलते थे कहीं पे जाने के लिए, तो नमाज़ का वक्त हो जाता है तो हम लोग हाईवे से थोड़ा सा बाजू में उतर के, मतलब गाड़ी को नीचे करके जो डेजर्ट होता है वहीं पर के खड़ा करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो वो याद आ गया मुझे नमाज़ ख़त्म होती कि सऊदी में ऐसा हम लोग करते थे, मेमोरीज याद आ गए। तो उसी मेमोरी को याद हुआ तो मैं सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सुनाऊँ वो मेमोरी, तो मन किया सुनाने का। तो अभी निकलते हैं गाँव के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी है ख़त्म और माशाल्लाह क्या प्यारा व्यू दिख रहा है माशाल्लाह से। विजिबिलिटी थोड़ी कम है लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। देखो इस वाले पेड़ से मिले हैं दो सीताफल मुझे, सामने के पेड़ में नहीं थे, और भी आगे जा सकता था लेकिन हो चुकी है शाम, देखें आप अजान हो रही थी। अभी निकल जाते हैं गांव के लिए। तो ऐसा कुछ था आज का व्लॉग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा है आज का दिन गांव में तालाब के पास दोस्तों से मिल करके। और आपको भी ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। ये सब देख करके बहुत सारे लोग हमारे गांव के जो हैं वो सऊदी में हैं, कुवैत में हैं, दुबई में हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, और बाहर भी जो हैं अमेरिका साइड पर, ऑस्ट्रेलिया साइड पर जो देख रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा हमारे गाँव के आसपास में और भी जो कुछ भी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ आपको, और मतलब याददाश्त आपकी
ताज़ी कर सकूँ दिखा करके। तो अभी जैसे शाम हो चुकी है, निकल जाते हैं गाँव के लिए। तो यही था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे करने के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब बातें तो बहुत ज़्यादा होती रहेंगी इंशाल्लाह, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे गांव के आसपास के, और भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा व्लॉग्स डालने की। पहाड़ तो चढ़ना है एक बार, बहुत लगभग 2 साल से मैं बोल रहा हूँ। खैर अभी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।